नाउ वी आर गोइंग समवेयर. हाँ हाँ ये जियाना रेडी. एंजल यार, एंजल रूम में जियाना और जियाना रूम में एंजल. सारी मम्मियों का यही है. कहनी सारी मम्मियों का यही हाल है. जियाना भी रेडी एंड उसके पापा भी. चलो एंजी हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेरी दुनिया. आज का दिन हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं क्योंकि आज का दिन हमारे लिए बहुत स्पेशल दिन है और आप भी हमारे साथ चले जाएं. हम लोग जा रहे हैं, आपको बहुत ही मज़ा आएगा एंड आपको अच्छा लगेगा. देखिएगा पहुंच गए, पहुंच गए, पहुंच गए. अब भी नहीं बोलूंगी हम कहां पहुंचे. रुक जाओ अभी. तो लीजिए, हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन मंदिर पहुंच गए जो कि ओंकारेश्वर मंदिर है. ये खरगोन में लाइक जहां हम हैं वहां से ये 50 किलोमीटर के रन पर है. तो ये इसके अद्भुत दर्शन, बहुत ही मज़ा आया था हमें. आप भी हमारे साथ कीजिए. और एंट्री करते ही इतना बड़ा मंदिर दिखता है. मंदिर दिखते ही दिल तो खुश हो जाता है, लेकिन आपको बहुत सारे फिर रास्ते में पंडित जी भी मिलते रहेंगे जो अपना अपने हिसाब से रेट बताते रहेंगे कि हाँ इतना हम लेंगे, आपको दर्शन अच्छे से करवा देंगे, आपसे कुछ ज़्यादा दक्षिणा नहीं लेंगे. तो उसी चक्कर में फिर हम लाइक गेट के पास से तो हमने कोई पंडित जी से नहीं बात की, लेकिन जैसे हम मंदिर पहुँचे तो फिर हमने भी एक पंडित जी से बात की. उन्होंने सब बताया कि कैसे कैसे करना है. तो लाइक अगर कोई अच्छा लॉयल पंडित मिल जाए तो लेना वो नहीं है, क्योंकि एक वो अच्छे ढंग से आपकी पूजा करवा देते हैं, आपको दर्शन भी बहुत अच्छे ढंग से हो जाते हैं. अदरवाइज़ नहीं तो बहुत ही लाइक जैसे क्राउड होता है ना, उस क्राउड में आप फंस के रह जाते हैं. तो ये थोड़ा सा देखना पड़ता है कि कौन सा अच्छा पंडित है या कौन कैसा रेट लगा रहा है. दो चार पंडितों से पहले बात कर लीजिए, फिर उसके बाद आप फाइनल करिए कि हाँ हम लोग ले सकते हैं कि नहीं, क्योंकि उनको तरीका होता है, वो एक एक जगह से जानते हैं, वो वहीं के निवासी होते हैं, तो उनको मालूम है कि किस तरह से दर्शन करवाने हैं, क्या करना है. तो आपको बहुत ही अच्छे दर्शन हो जाएंगे. तो पहुंचते ही पहले एक मंदिर आता है, वो भी शिवलिंग, वहाँ पर भी शिवलिंग है, शिव जी भगवान का मंदिर है. तो वहाँ पर हम लोगों ने पूजा की, फिर उसके बाद माँ नर्मदा के दर्शन होते हैं. तो उनको पार करके फिर हम ओंकारेश्वर जो कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, शिव जी भगवान जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बहुत एक ज्योतिर्लिंग है ये महाकालेश्वर जी. तो वहाँ के दर्शन हुए. तो यहाँ मैं चीज़ें देखती हुई चल रही थी, बट हमने सोचा था कि जब वापसी में आएंगे तब मैं एक एक चीज़ को नोटिस करूँगी और देखेंगे. बट आते हुए हमने दूसरा रास्ता पकड़ा तो फिर हमें ये चीज़ें नहीं मिली. तो वहाँ पर दूसरे रास्ते में कुछ और ही था, जैसे फ्लावर्स थे, प्रसाद था और काफ़ी लोग बैठे हुए थे जैसे रेस्ट कर रहे होते हैं वहाँ पर. छोड़ दो, अरे छोड़ो यार. तो यहाँ पहुँचते फिर माँ नर्मदा के लिए यहाँ
यहाँ पर ज्योति लाइक दिया बाती किया एंड फ्लावर्स चढ़ाए और उनको नमस्कार किया। बहुत ही मज़ा आया। और यहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ थी जिनको हमने ऐसे आटे की बनी हुई गोलियाँ मिलती हैं वहाँ पर, 10-10 रुपए का पैकेट था वो ख़रीदे। और एजियाना और एंजल हम सब ने मिलकर ये इनको मछलियों को ये भी खिलाया। लाइक ये फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत ही मज़ा आ रहा था और इतने अच्छे दिन पर तो और भी ज़्यादा। तो जैसे ही माँ नर्मदा को पार करते हम आते हैं तो यहाँ सीढ़ियों से चढ़ाई चढ़ना शुरू हो जाती है महाकालेश्वर मंदिर जी के। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे मिल जाएंगे जो आपको भोलेनाथ जी का चिन्ह लगाएंगे एंड तिलक करेंगे। फिर उनको आप जो भी दक्षिणा देना चाहे दे सकते हैं। यहाँ कोई ऐसा वो नहीं है कि 10 रुपये या 20 रुपये में है, आपका दिल करता है 5 रुपये दे दो तो 5 रुपये दीजिए, 2 रुपये दे दो 2 रुपये, वो कुछ नहीं बोलते, बस वो तिलक लगाते हैं। और बहुत ही लाइक फीलिंग बहुत अच्छी सी आ जाती है कि नहीं हम जा रहे हैं। तो हम अराउंड 1 o'clock पहुँच चुके थे मंदिर में, लेकिन वहाँ पर अभी भोलेनाथ जी को भोग चढ़ रहा था, आरती हो रही थी, तो उसके बाद ही ओपन होना था। तो उसके बाद हमें बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। तो यहाँ हमें भोलेनाथ जी के दर्शन बहुत ही जल्दी करवा दिए थे, बहुत ही अच्छे से हो गए थे, ऐसा धक्का मुक्की भी कुछ नहीं हुआ। तो पंडित जी को हार कर लेना कोई बुरी बात नहीं है, ले। तो हमारी पूजा बहुत अच्छे तरीके से हो गई। तो मैं यहाँ पर पिक लगा दे रही हूँ महाकालेश्वर जी की, आप देख सकते हैं। तो यहाँ दर्शन करने के बाद जब हम वापसी में गए तो फिर वहाँ जैसे अलग अलग हर एक के लिए पूजा का प्रबंध किया होता है कि जिसने पूजा करवानी हो तो वो करवा सकता है। तो हमने अपने स्पेशल दिन पर भी एक छोटी सी पूजा की, जहाँ पर हमने यहाँ पर शिवलिंग पर जल चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाए, मंत्रोच्चारण समेत हाथ छोटी सी एक पूजा हुई, जो कि तो इतने मज़े से पूजा कर रहे थे कि कोई कोरोना का कोई डर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। और वैसे भी हम मंदिर पहुंचे तो सिर्फ हम लोग ही थे जिन्होंने मास्क डाला था, और मोस्टली पीपल जो भी वहां पर थे मैंने किसी को नहीं देखा मास्क डाले हुए। कोई गिने चुने एक दो चार लोग होंगे, नहीं तो कोई मास्क में भी नहीं था। तो लाइक ऐसा फील ही नहीं हो रहा था कि हाँ कोरोना भी है या कुछ ऐसा है, ऐसा लग रहा था सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, सब अच्छे से चल रहा है। लेकिन पूजा में इतने मगन थे, इतने खोए हुए थे और किसी चीज़ का ध्यान भी नहीं था। लेकिन सच में सच मानो बहुत ही अच्छा लगा दर्शन करके, दिल को एक बहुत सुकून मिला। लाइक मेरे पास तो वर्ड भी नहीं मिल रहे हैं, मैं क्या बोलूँ कि कैसी फीलिंग होती है, लेकिन बहुत। तो पूजा करने के बाद फिर हम वापस में चल पड़े। तो यहाँ से वापस जाने के लिए एक तो नर्मदा नदी को क्रॉस करते हुए हम बोट से भी जा सकते थे, और बाया लाइक रोड जो रोड वाला रास्ता है उससे भी जा सकते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना आप दूसरी साइड से चला जाए जहाँ पर पुल भी बना हुआ है, जिसे झूला पुल कहते हैं, बट वो एकदम स्ट्रांग पुल है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोगों ने वहाँ से जाने का डिसाइड किया, क्योंकि हम बाया बोट तो आ चुके थे तो पूरा घूम के एक चक्कर भी हो जाता है। यहाँ से व्यू देखिए, अभी नहीं दिखना चाहिए, वाह कितना सुंदर लग रहा है व्यू तो। वाह, कितना ब्यूटीफुल है, वी लव इट।
ना आगे जाके बना लेते रुको थोड़ा जी हटो यहाँ से तो ये बैठे हैं हमारे दोनों बच्चे हाँ मैं आपकी अच्छा 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 दिया लिसन यू लाइक द जलेबी या चलो फिर खाओ मैंने टू टू हैंडी ये फोन बन गया तो आगे मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो चुकी थी बस थोड़ी बहुत पिक्स ली जियाना और बच्चों के साथ और फिर हम वापस में चल पड़े। तो ये होटल जो था ये गोपाल जी होटल था जो कि व्यू पॉइंट है आधे थोड़ी सी दूरी में जाकर आता है व्यू पॉइंट गोपाल जी का। तो ये बहुत ही फेमस एंड बहुत ही लाइक नीट एंड क्लीन होटल था। चलिए अब वापस चलते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मेरी दुनिया चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।